ऐश्वर्या राय अब अभिषेक बच्चन से दूरी बनाकर रखती हैं। उनके वीडियो और फोटो सामने आते रहते हैं। कहा जाता है कि ऐश्वर्या अब सच में अभिषेक बच्चन से अलग होने का फैसला कर चुकी हैं। कपल की शादी को 17 साल हो चुके हैं और पिछले एक साल से दोनों अलग घर में अलग जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में कपल की शादी को लेकर कई रिएक्शंस आ रहे हैं कि अभिषेक बच्चन ने आखिर ऐश्वर्या राय से शादी क्यों की थी। अगर वो अपने परिवार को सबसे पहले रखना चाहते थे तो ऐश्वर्या से शादी का बड़ा फैसला क्यों किया। अब दोनों की शादी की सच्चाई सामने आई है जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। फैंस हैरान हो रहे हैं। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी दोनों स्टार्स की आपसी सहमति से हुई थी। कहा जाता है कि अभिषेक ऐश्वर्या के प्यार में बिल्कुल पागल हो गए थे। उन्होंने उन्हें होटल की बालकनी में प्रपोज किया था और ऐश्वर्या ने उन्हें हाँ कर दिया था। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। अब कपल की एक बेटी आराध्या भी है जो अपनी मम्मी ऐश्वर्या के साथ अपनी नानी के घर में रहती है। जब पति अभिषेक ऐश्वर्या के साथ नहीं होते तो उनकी बेटी अपनी माँ के साथ एक परछाई की तरह रहती है। अब ऐश्वर्या और अभिषेक की तलाक की खबरों के बीच शादी की सच्चाई वायरल हो रही है। कहा जाता है कि अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या से इसलिए शादी की क्योंकि वो एक ऐसी पत्नी चाहते थे जो खुद से पहले परिवार का ध्यान रखे, और ऐश्वर्या एकदम वैसी ही है। वो खुद से पहले अपने परिवार को आगे रखती है। वो अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह रखती है। ऐश्वर्या को विश्व सुंदरी कहा जाता है पर कभी उन्हें इसका घमंड नहीं रहा। वो कभी अपने संस्कारों को नहीं भूली। हर भारतीय परिवार अपनी बहू में ऐसे संस्कार पाकर गर्व महसूस करता है। बड़े स्टार्स के पास जब काम ज्यादा होता है तो वो अपने बच्चों के लिए नैनी रखते हैं, पर ऐश्वर्या ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने जैसे संस्कार अपनी बेटी को भी दिए। परिवार का इतना ध्यान रखने के बाद भी अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय को सपोर्ट नहीं करते। धीरे धीरे कपल के बीच दरार आनी शुरू हो गई और दोनों के बीच तलाक की खबरें उठने लगी। फिलहाल इस किस्से के बारे में आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।